हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फोटो में एक गोल्डन टोन कैसे डाल सकते हो। वैसे ये जो टोन है ये बिल्कुल मूडी गोल्ड टोन है और देखने में बहुत ही कमाल सी लग रही है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैंने इसको एडिट भी किया है। तो अगर आप भी अपनी फोटो में इस तरह का टोन चाहते हो तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, तभी आप अपनी फोटोज़ में भी इस तरह की टोन डाल सकते हैं। और वैसे ये देखिए, ये टोन बहुत ही कमाल की लग रही है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। और इस फोटो को हम लाइट रूम में एडिट करने वाले हैं, तो बस वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब आपको ऑल फोटो पे जाना है, और अभी हमने जिस फोटोज को शेयर किया है तो वो सारी फोटोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इनमें से हम किसी एक फोटो को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, और देखिए हमारा फोटो ओपन हो चुका है। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर एक फिल्टर यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम अपनी फोटो पर। तो देखिए, आपको यहाँ पर प्रोफाइल में आना है और इस पर हम क्लिक करेंगे। आपको बेसिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आर्टिस्टिक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो आर्टिस्टिक 3 है इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है उसको हम 154 रखेंगे, ठीक है। तो इसको इतना रखेंगे और यहाँ से हम डन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक फ़िल्टर ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हमारी फ़ोटो में काफ़ी अच्छा चेंज आ चुका है। अब देखिए, हम अपनी फ़ोटो की लाइट एडजस्टमेंट करेंगे। क्या है, जब कैमरे से फोटो क्लिक होती है ना तो उतना परफेक्ट लाइट नहीं आता है, लेकिन वो चीज़ ना हम यहाँ एडिटिंग में ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं लाइट वाइट टूल्स पर, और यहाँ पर जो इसका एक्सपोजर है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट को इतना रखेंगे हम, हाईलाइट को यहाँ पर हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इतना कम कर देते हैं, ठीक है। और जो शेडोज़ है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से भी ये सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मेरी फ़ोटो में इतना ज़रूरी है तो यहाँ पर मैंने इतना शेडोज़ बढ़ाया है, एंड जो ब्राइट्स है इसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको गाइस हम इतना कम कर देते हैं, और इसके बाद देखिए ब्लैक्स है तो इसको भी हम कम कर देंगे। तो ब्लैक्स को गाइस मैं इतना कम रखूँगा, ठीक है। तो देखिए, हमारी फ़ोटो में काफ़ी अच्छा चेंज आ चुका है और लाइट भी काफ़ी अच्छी ठीक हो चुकी है। अब देखिए, ऊपर आपको कर्व का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम लाइट वाले कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डाउन करेंगे, और जो ये वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट गाइस हम इसको यहाँ पर देंगे, ठीक है, यहाँ पर नीचे। और एक पॉइंट गाइस यहाँ पर बिल्कुल नीचे कर देना है आपको, जिस तरह से इस पॉइंट को हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, और जो नीचे वाला पॉइंट है ना इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको भी गाइस कर लेना है, और इसको हम थोड़ा सा और नीचे डाउन कर लेते हैं, और यहाँ से बस इतना ही। और यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे, और यहाँ से भी डन। तो देखिए, हमारी फ़ोटो में जो लाइट है ना वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब चलते हैं हम कलर में, और अपनी फ़ोटो में जो कलर है, कलर करेक्शन है वो करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको मैं 10 तक रखूँगा, और वाइब्रेशन को भी यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं, तो इसको मैं 30 तक रखूँगा, ठीक है। गाइस, हम थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं, तो इसको मैं इतना बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसको हम इतना रखते हैं, और देखिए आपको ऊपर यहाँ पर मिक्स टूल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ से देखिए, हमारा जो मिक्स टूल है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रेड कलर मिलता है, तो रेड कलर में हम इसका सबसे पहले सैचुरेशन कम करेंगे, तो इसको मैं इतना कम रखूँगा। और इसके बाद हम चलते हैं ऑरेंज कलर पर, और ऑरेंज कलर में आपको करना क्या है, इसका थोड़ा सा ह्यू कम करेंगे हम, तो इसको -3 तक कर लेते हैं, तो इसको मैं इतना कम रखूँगा। जो सैचुरेशन है इसको भी हम कम करेंगे, तो ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये जो कलर है ना ये हमारे मॉडल के फेस से मैच होता है, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और जो ल्यूमिनस है उसको हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, तो मैं इसको 10 तक ही बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा गोरा कर देंगे ना फेस को तो फेक लगेगा हमारा फोटो, तो फेक नहीं बनाना है, तो इसको हम इतना ही रखेंगे। अब चलते हैं हम येलो कलर पर, तो इसका जो यू है उसको हम कम कर लेते हैं, तो इसको हम इतना रखेंगे, सॉरी इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी फ़ोटो में एक गोल्डन टोन चाहिए, और वो यहाँ पर इसको बढ़ाने से आएगी, ठीक है। और जो सैचुरेशन है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, तो गाइस मैं सैचुरेशन को इतना रखूँगा, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इतना। और गाइस इसके बाद चलते हैं हम ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर में आपको करना क्या है, इसका जो यू है उसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको गाइस मैं इतना कम रखूँगा, ठीक है। और जो सैचुरेशन है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर की। तो यहाँ पर मैं सैचुरेशन को गाइस 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना हम इसकी सैचुरेशन को रख लेते हैं, और बाकी यहाँ पर देखिए हमारा जो ये वो कलर है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, और थोड़ा सा इसका सैचुरेशन यहाँ पर बढ़ा लेंगे हम, तो इतना रखेंगे। और अब चलते हैं ब्लू कलर में, ब्लू कलर में आपको इसका यू जो है वो कम कर देना है, तो इसको मैं इतना गाइस रखूँगा। और जो सैचुरेशन है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर कम ही कर लेंगे, ठीक है, तो इतना रखूँगा। और यहाँ से भी इसके बाद चलते हैं हम पिंक कलर पर, तो पिंक कलर का जो यू है वो भी आपको यहाँ पर कम कर लेना है, इतना कर लेंगे। और सैचुरेशन को भी यहाँ पर हम कम ही कर देंगे, ठीक है, तो कुछ इतना। और इसके बाद जो पिंक कलर है इसका भी हम सैचुरेशन यहाँ पर कम कर देंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हमने सारे कलर को कम कर लिया है, और बाकी आप अपने फोटो के हिसाब से भी कलर को छेड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसको डन कर लेते हैं। अब देखिए मिक्स के यहाँ मिक्स टूल के बिल्कुल साइड से आपको यहाँ पर एक स्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर शेडोज़ को छेड़ना है, तो शेडोज़ के एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको यू एंड सेचुरेशन देखने को मिल जाएगी, तो इसका जो यू है वो हम यहाँ पर 229 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कुछ इतना रखेंगे, और सेचुएशन को यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो हम इसके सेचुएशन को इतना रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद गाइस यहाँ से चलते हैं हम वो मिड टोन में। तो देखिए हम यहाँ पर मिड टोन में आ गए हैं, और मिड टोन में गाइस आपको यू को रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो यू को गाइस हम यहाँ पर 187 तक कर देते हैं, ठीक है इतना। और जो सेचुएशन है उसको हम थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, तो इतना रख लेते हैं। एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पर गाइस हम हाईलाइट में। तो हाईलाइट में गाइस आपको करना क्या है, इसका जो यू है उसको हम 100 यहाँ पर 43 कर लेते हैं, ठीक है तो इतना। और जो सेचुएशन है उसको हम यहाँ पर 10 तक बढ़ाते हैं, ठीक है तो कुछ इस तरह से। और यहाँ से गाइस हम इसको डन कर लेंगे, और यहाँ से भी डन। तो देखिए हमारी फ़ोटो में जो कलर है वो भी ठीक हो चुके हैं। अब चलते हैं हम गाइस इफेक्ट में, और इफेक्ट में आने के बाद सबसे पहले तो इसकी हम थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ाएंगे। तो क्लैरिटी को गाइस मैं इतना रखूँगा, डेज को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और बिगनेट को यहाँ पर हम कम कर देंगे, ठीक है। तो बिगनेट गाइस मैं इतना कम रखूँगा, ठीक है, और मिड पॉइंट को पूरा कम कर देंगे। फेदर को यहाँ पर हम पूरा बढ़ा लेंगे, और राउंडनेस को भी बढ़ा देते हैं, और यहाँ से भी डन कर लेंगे। अब चलते हैं डिटेल में, और इसकी शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मास्किंग बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी नॉन रिएक्शंस, और यहाँ पर थोड़ा सा कलर नॉन रिएक्शंस भी बढ़ा लेते हैं, एंड यहाँ से भी डन कर लेंगे। एक लास्ट ऑप्शन है, इस पर आएंगे हम, और यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। अब गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर चलना है कलर में, और यहाँ पर जो इसका सेचुएशन है ना उसको हम कम करेंगे, ठीक है। तो इसको गाइस मैं इतना कम रखूँगा, ठीक है, और यहाँ से भी डन कर लेंगे। तो गाइस देखिए हमारा जो फोटो है वो पूरा एडिट हो चुका है, एंड एक मस्त कमाल की गोल्डन टोन आ चुकी है हमारी फ़ोटो में। एंड बाकी आपको गाइस और भी जैसे फोटोज़ हैं इसका मैंने प्रीसेट भी दिया, तो प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उस प्रीसेट को यूज़ कैसे करना है आपको देखिए, मान लीजिए कि ये आपका प्रीसेट है, तो इसको आपको ओपन करना है प्रीसेट को, यहाँ पर देखिए थ्री डॉट पर जाना है, और इसकी जो सेटिंग है वो कॉपी कर लेनी है, और यहाँ से डन कर लेना है। और आपको जिस फोटो को एडिट करना है तो उन फोटो पर यहाँ पर इस सेटिंग को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी ये वाली फोटो है, तो मुझे इस फोटो को इसी टोन में एडिट करना है, तो आपको देखिए थ्री डॉट पर जाना है, और यहाँ पर देखिए पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, और हमारा जो फोटो है वो एक ही क्लिक में यहाँ पर एडिट हो चुका है। अब बैक आ जाते हैं, एक फोटो और है, इस पर भी हम इस प्रीसेट को अप्लाई करेंगे, और देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर पेस्ट सेटिंग कर देनी है, तो देखिए ये वाली फोटो भी हमारी एडिट हो चुकी है। तो प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ना गाइस कोई पासवर्ड है, आप आराम से बिंदास इसको डाउनलोड कीजिए एंड यूज़ कीजिए। बाकी आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको जरूर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड गाइस वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।